नमस्कार मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आती हूँ, जिसे देखने से, सुनने से आपको पूजा पाठ करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए, सावन सोमवारी आने वाला है, मंगला गौरी आने वाला है, या किसी भी तरह का कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी चीज़ की तिथि चाहिए, पूजा विधि चाहिए, उद्यापन विधि चाहिए, तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप सभी के लिए वीडियो ला करके जरूर दूंगी। पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को पता है सावन सोमवार आने वाला है। कुछ ही दिनों के बाद सावन शुरू होने वाला है, यानी कि अगले महीने में ही, जुलाई में ही सावन शुरू होने वाला है। इस बार का सावन बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस बार का सावन पूरे 2 महीने का लगा है, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। 2 महीने का सावन इसलिए लगा है क्योंकि बीच में खरमास आ गया है, यानी कि मलमास आ गया है, अधिक मास आ गया है, इसलिए सावन 1 की जगह 2 महीने का लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सावन सोमवारी कब से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, सावन सोमवारी इस बार 2023 में 4 जुलाई से शुरू होने वाला है। 4 जुलाई से सावन सोमवारी तो होने वाला है प्रारंभ, लेकिन आपका पहला सोमवारी 10 जुलाई को होगा। इसी तरीका से 4 जुलाई से सावन स्टार्ट होकर के 31 अगस्त तक होने वाला है, यानी कि 2 महीने का सावन बहुत ही शुभ फल मिलेगा। जो भी व्यक्ति इस सावन में पूजा पाठ करेंगे, शिव भक्त अपने शिव जी को प्रसन्न करेंगे, उनकी सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन यह बात भी बहुत ही खास है कि अगर मलमास इस बार 1 महीने का होने वाला है, मलमास की तिथि मैं आपको बता दूं कि मलमास आपका 18 जुलाई से शुरू होकर के 16 अगस्त तक चलेगा, यानी कि 1 महीने का मलमास। अब क्या करें, सावन सोमवारी 8 होने वाला है। हर साल आप सभी को पता है 4 सोमवारी 5 सोमवारी होता था, लेकिन 11 साल के बाद फिर से सावन सोमवारी 8 होने वाला है, यानी कि 2 महीने का सावन सोमवारी होने वाला है। अब क्या करें, मलमास के बीच में जो सोमवारी पड़ रहा है, क्या वह सोमवारी हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। वीडियो को प्लीज़ बस लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि खरमास में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी, विवाह, जनेऊ, मुंडन, घर में विशेष पूजा पाठ, बाहर में दान दक्षिणा, इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन खरमास के बीच आप जो नित्य दिन पूजा पाठ करती हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का व्रत करती हैं, मंगल व्रत, शुक्र व्रत या किसी भी तरह का कोई भी व्रत करती हैं, तो आप उसको कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको विशेष पूजा पाठ नहीं करना है। विशेष पूजा पाठ कहने का मतलब, जैसे कि घर में हवन पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान जी का पूजा, इस तरीके का पूजा आपको नहीं करना है। जैसे आप सावन सोमवार है, सुबह उठ करके घर की साफ सफाई, पूजा स्थल की साफ सफाई, स्नान आदि करने के बाद शिव जी का पूजा कर सकते हैं। अब बात एक और उठती है कि क्या हम लोग खरमास में मंदिर जा सकते हैं या नहीं।
तो दोस्तों, अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दान दक्षिणा देने का मन कर रहा है तो आप गरीबों में कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, नहीं तो मंदिर के दान पेटी में आप कुछ पैसा दे सकते हैं। भव्य रूप से आपको दान दक्षिणा नहीं करना है, यानी कि पूरे अच्छे से सामान ले जा करके हर एक व्यक्ति के हाथ में दान दक्षिणा देना, इस टाइप से नहीं करना है। अब दोस्तों, सावन सोमवारी का हम लोग क्या करें, 4 सोमवारी करें या 8 सोमवारी करें? आप सब हर साल 11 सोमवारी या 8 सोमवारी या इतने ज़्यादा सोमवारी नहीं करते थे। इस बार आप सभी को पता है 8 सोमवारी होने वाला है, तो क्या करें? इच्छा अनुसार दोस्तों, आप 4 सोमवारी भी कर सकती हैं और 8 सोमवारी भी कर सकती हैं। मलमास के बीच में जो पड़ रहा है सोमवारी, आप उसे भी कर सकती हैं, और अगर आप नहीं चाहती हैं तो आप 4 सोमवारी भी कर सकती हैं। अब मलमास का या खरमास का एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग सूर्य उदय होने के पहले उठ करके एक जल भर करके, लोटा में एक लोटा जल भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके सूर्य देव को अर्घ देती हैं, तो इससे आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा। ध्यान रहे कि सूर्य उदय के पहले ही आपको उठना है, नहा धो के स्नान आदि करने के बाद लोटा में एक लोटा जल भर लेना है, उसके बाद सूर्य देव जैसे ही उगेंगे उन्हें जल अर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी कामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, वह जरूर पूरी होगी। साथ ही साथ दोस्तों, कहा जाता है कि खरमास में गौ को दक्षिणा देना, यानी कि गौ को चारा देना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर आपके घर के आसपास गौ माता है तो आप उन्हें हरा घास, रोटी इस तरीका से जरूर खिलाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, खरमास में एक बात का और आपको ध्यान देना है कि पूजा पाठ तो विशेष रूप से नहीं ही करना है और ना ही कोई मांगलिक कार्य, लेकिन आप जैसे कि घर में पूजा पाठ नित्य दिन करती हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक सूर्य देव को जल जरूर देना है, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हम लोग दिनकर को जल नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए आप खरमास में कम से कम सूर्य देव को जल जरूर दीजिएगा। अब शिव भक्तों के लिए मैं एक बात और बता दूं कि सोमवारी पूजा करें कैसे। 2 महीने का सोमवारी तो आ गया है, लेकिन पूजा की भी कुछ खास विधियां होंगी, कुछ खास तरीके होंगे। हर एक दिन का अपना अपना पूजा पाठ होता है और अपने अपने मंत्र होते हैं। अगर आपको हर एक दिन का अलग अलग पूजा पाठ जानना है, मंत्र जानना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आप सभी के लिए उस पर वीडियो ला करके ज़रूर दूंगी। अगर आपको और भी सावन के बारे में कुछ जानना है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करूंगी कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।